बलूचिस्तान में वाक़े मुख्तलिफ शहर तारीखी, अदबी और सकाफती हवालों से मुनफरिद पहचान रखने के साथ साथ हैरान कुन खूबसूरती और दिलकशी के हामिल हैं। मशहूर लोक दास्तान सस्सी पुन्नु इसी तारीखी खित्ते से उभर कर शोहरते दवाम की हामिल हुई। मकरान डिवीजन में वाक़े तुरपत बलूचिस्तान का दूसरा बड़ा शहर तालीमी, माशरती और सियाहती दिलचस्पियों का हामिल है, जो गवादर से तकरीबन 150 किलोमीटर के फासले पर वाके तरक्की पसंद और खूबसूरत शहर है, जिसकी कुशादा साफ शफाफ सड़कें, काबिले दीद इमारात, जदीद तालीमी इदारे, शहर के मुख्तलिफ चौराहों पर मौजूद यादगारें और यहाँ पैदा होने वाली आलमी शोहरत की हामिल खुश जायका खजूरें इसकी खास पहचान है। तुर्बत में वाके सस्सी पुन्नु का तारीखी कला अगरचे खस्ता हाली और शिकस्त और रिख्त का शिकार हो चुका है, लेकिन फिर भी अजमत रफ्ता की बावकार निशानी है। मट्टी से बना ये बुलंद कला शान और शौकत की दलील और सयाहों के लिए आज भी भरपूर कशिश का हामिल है। तुर्बत यूनिवर्सिटी जो 2013 में कायम हुई, 2017 में अपनी मौजूदा इमारत में मुंतकिल हुई, सहराई इलाका में तालीम और बसीरत की रोशनी बखेरती ये दरसगाह बलूचिस्तान के नौजवानों को जदीद उलूम और फनून और महारतों से आरास्ता करने में भरपूर किरदार अदा कर रही है। यूनिवर्सिटी की वसी और अरीज खूबसूरत इमारत में इस वक्त मुख्तलिफ शोबों में हजारों तलबा ज़ेर तालीम हैं। बाजार यहाँ की मकामी मसनुआत कपड़े, खजूर और दीगर अशिया अजनास के हवाले से मशहूर हैं। तिजारती मराकज साफ सुथरे, दीदा ज़ेब और कुशादा हैं, जो इस शहर की तरक्की पसंदी की तरफ इशारा करते हैं। सीपैक रोड की तामीर ने तुर्बत तक रसाई को इंतहाई आसान बनाने के साथ साथ सफर को दिलचस्पियों से भरपूर और पुरलुत्फ बना दिया है। बुलेदा तुर्बत के करीब एक और काबिले जिक्र इलाका है, खूबसूरती और सयाहों की रग़बत का एक और अहम हवाला है। जटिल
पहाड़ों के बीचों बीच चलती सड़क इर्द गिर्द के नजारों से नजर हटने ही नहीं देती और पहाड़ों के बारोब सरों पर उमड़ती छाओ में आगे बढ़ती रहती है, जो बजाते खुद एक काबिले दीद तजुर्बा होती है। बुलेदा में वाके तारीखी कला बुलेदा की जानिब सयाहों को रागिब करने का सबसे बड़ा जरिया और अहम वजह है। केच से मलहका ये इलाका कुदरती नजारों और दीदा से मनाजिर से भरपूर है। पाकिस्तान से पहले की बात है, ये बॉर्डरों की हिफाजत इधर के लोग खुद करते थे। बेटे कलात इसको कहते हैं, बेट का किला मीर आजम खान ने, जो बेट का सरबरा था उसने बना के इधर के लोगों ने अपनी दिफा के लिए ये चीज़ें बनाए। तुर्बत से 15 किलोमीटर के फासले पर वाके मेरानी डैम 244 फीट बुलंद और 15 किलोमीटर तवील है। इस डैम की तामीर से बेआबो काश समझा जाने वाला ये इलाका अब सरसब्ज लहलाहाती फसलें उगा रहा है। ये डैम न सिर्फ दश्त, तुर्बत, गवादर और इर्द गिर्द के इलाकों को सैराब करेगा, बल्कि पीने के पानी की फराहमी के साथ साथ 117 मेगावाट बिजली की पैदावार के जरिए और अब यहाँ नई सनअतों को सस्ती और बिला तातुल बिजली भी फराहम की जा सकेगी। मकरान मेडिकल कॉलेज की इमारत देखने वालों को ये यकीन ही नहीं होने देती कि ये इमारत तुर्बत जैसे दूर दराज इलाका में बनाई गई है। हैरान कुन तामीराती महारत और दिलकशी की हामिल ये इमारत मुल्की और गैर मुल्की दर्सगाहों के मुकाबले में कहीं ज्यादा हसीन है। यही वजह है कि तालिब इल्मों के साथ साथ बेशतर सयाहों को भी इस इमारत की मुनफरिद और दिलकश तर्ज़ तामीर की शोहरत खींच लाती है। इस मेडिकल कॉलेज में दी गई सहूलियात किसी बैनुल अक़वामी मेडिकल कॉलेज से कम नहीं। मईशत का ज्यादातर दारोमदार खजूरों की पैदावार पर है। यहाँ पैदा होने वाली मुख्तलिफ अकसाम की खजूर अपने जायके की वजह से मुनफरिद पहचान रखती है। यहाँ पहले सहूलियात ना होने की वजह से पैदा होने वाली खजूर की बड़ी मकदार महफूज ना हो सकती थी और खराब हो जाती थी, लेकिन अब महकमा ज़राअत ने यहाँ कोल्ड स्टोरेजेस की सहूलत फराहम करके खजूर की पैदावार में इजाफे और खजूर की मुख्तलिफ अकसाम की काश्त को फरोग दिया है। पहले तो इस तरह तक ट्रेडिशनल तरीके से लोग ऐसी तेलियों में भर के और बोरियों में भर के तोक देते थे और बेचते थे आगे। इस कोल्ड स्टोरेज की वजह से पहले इस साल ज़मींदारों को बहुत फ़ायदा हुआ है, पर हमारी जो केचवारी रीजन है यहाँ पे 1,40,000 टन प्रोडक्शन है। कोल्ड स्टोरेज का फ़ायदा ये है कि उसमें आपको मार्केटिंग के लिए टाइम मिलता है। यहाँ पे बलूचिस्तान में 106 किस्म की वैरायटियाँ हैं। एक्सपोजर ना होने की वजह से, लोगों को अवेयरनेस ना होने की वजह से मार्केट में इंट्रोड्यूस नहीं हुई हैं। बहुत अच्छी खजूर हैं हमारे पास। के अलावा यहाँ पैदा होने वाला तरबूज और सरता भी मखसूस जायके के हवाले से जाना जाता है। खजूर के अलावा इस मरतबा हमने यहाँ पे तरबूज भी रखे हैं। तरबूज हमारी जो मीरानी डैम कमांड एरिया है वहाँ पे लोगों ने बहुत सारे तरबूज लगाए हैं। कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी नहीं थी, हमने उनको ये फैसिलिटी प्रोवाइड की। ये एक पॉजिटिव साइन है, ज़मींदार इससे मोटिवेट होगा, उसको उसकी फसल का सही दाम मिलेगा। बलोचिस्तान की सकाफत को उजागर करते मखसूस बलोची मलबूसात न सिर्फ बलोची सार्फीन बल्कि सयाहों के लिए भी खास दिलचस्पी के हामिल होते हैं। ये मलबूसात बलोची कल्चर का अहम हिस्सा समझे जाते हैं।
बलूचिस्तान का ये तारीखी शहर पंचकूर अकीदत और एहतराम का मरकज समझा जाता है। कहा जाता है कि यहाँ 5 सहाबाए कराम की कब्रें भी हैं, जो यहाँ मदफून हैं। इसी निस्बत से इस शहर को पंचकूर का नाम दिया गया है। नेक मुतबरक हस्तियों की ये आखिरी आरामगाहें जायरीन और सयाहों की खास तवज्जो का मरकज होती हैं। पंचकूर में इनके अलावा तफरीही मकामात और वसीय और अरीज खजूर के बागात इस शहर की अहमियत और दिलचस्पी में इजाफे का बाइस बनते हैं। पंचकूर के बागात में पैदा होने वाली खजूरें आला दर्जे और जायके में अपना सानी नहीं रखती। मेहमानों को लस्सी के साथ खजूरें पेश करना मुकामी कदीम रिवायात का हिस्सा है। खारान बलूचिस्तान का खूबसूरती और सियाहती नुक्ता नज़र के हवाले से एक और अहम शहर है। ये शहर खारान के कले के हवाले से खासी शोहरत रखता है। ये कला अब अपनी असली हालत में मौजूद ना होने के बावजूद हुस्न और रानाई का शानदार नमूना है। खारान में वाके लूज के मकाम पर चटियल संगलाख पहाड़ों के दरमियान बना पिकनिक पॉइंट सयाहों के लिए नाकाबले फरामोश जगह है। पिकनिक पॉइंट तक रसाई के लिए पहाड़ों के बीच का बल खाता सफर इंतहाई खुशगवार, अनोखा और पुरलुत्फ तजुर्बा है, जो बार बार इस जगह आने पर मजबूर करता है। वाशुक बलूचिस्तान का कुदरती खूबसूरतियों से भरपूर इलाका है। वाशुक सहरा के पुरकैफ नज़ारे अजीब सहर अंगेजी के हामिल हैं। सहरा की ऊंचे नीचे टीलों पर हवा के पड़ने वाले निशानात पर समुद्री लहरों का सा घुमा होता है। ये लकोदक सहरा ताहते नजर रेत की छोटी छोटी पहाड़ियों जैसा है, जिसमें जगह जगह बने छोटे छोटे ट्रैक्स यहाँ आने वालों की इस सहरा से दिली वाबस्तगी का सबूत देते हैं। ये सहरा दुनिया भर के सहराओं में डेजर्ट सफारी और जीप रैलीज के लिए सबसे मौजूद जगह है। इसके जरिए न सिर्फ इस सहरा की खूबसूरती को आलमी सतह पर सयाहों की तवज्जो का मरकज बनाया जा सकता है, बल्कि खतीर ज़रे मुबादला भी कमाया जा सकता है। ये इलाका अपनी जोग्राफियाई साख के हवाले से पैराग्लाइडिंग के लिए भी मौजूद तरीन खत्ता है, जहाँ पैराग्लाइडिंग के लिए कुदरती तौर पर सहूलियात दस्तयाब हैं। इन सरगर्मियों को फरोग देकर भी सयाहों को इस खित्ते की जानिब राग़िब किया जा सकता है। वाशुक
अगरचे बलूचिस्तान का एक छोटा सा शहर है, लेकिन इसकी खूबसूरती किसी तरह भी बड़े शहरों से कम नहीं। मकरान डिवीजन के दूसरे शहरों की तरह यहाँ भी खजूरों के कसीर बागात हैं, जो न सिर्फ इन इलाकों की खूबसूरती बल्कि मुआशी तरक्की में इजाफे का बायस बनते हैं। वाशुक ने मकामी बच्चों की फुटबॉल जैसे खेल से मोहब्बत और महारत काबिले रश्क भी है और हैरान कुन भी। किसी प्रोफेशनल कोच या रहनुमा के बगैर भी इन बच्चों की खेल में महारत पाकिस्तान में मौजूद टैलेंट की अक्कास है। वाशुक में वाके मालिक दीनार का मजार जायरीन और सयाहों के लिए खास अहमियत रखता है। जहां लोगों की कसीर तादाद आकर रूहानी हाजात के लिए दुआएं करने के साथ साथ इस मजार की खूबसूरती से लुत्फंदोज होती है। वाशुक शहर में सहाबाए कराम के हवाले से मारूफ मस्जिद भी वाशुक की नुमाया जगहों में गिनी जाती है। ये मस्जिद तारीखी हवाले से अहम समझी जाती है। वाशुक हो गया, कंजूर हो गया, यहाँ पे सहाबाए कराम का गुजर हुआ है। वाशुक के अंदर एक मस्जिद है, उसके बारे में ख्याल ये है कि अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला की मस्जिद है। अल्लामा याकूत अमवी ने इसके बारे में यही तबसरा किया, आलम बिन शुएब, और ये मुख्तलिफ नाम हैं, अबू बकर है, हानी, हानी इब्राहिम, सालेह, ये अरबी वर्ड हैं। आप देख लें, ये जो पत्थर आपको नीचे नज़र आ रहे हैं ये उसी ज़माने के हैं। बलूचिस्तान के ये इलाके अपने मुनफरिद हुस्न, तारीखी इमारात और जगहों के हवाले से एक नई सियाहती दुनिया से मुतारिफ करवाते हैं। ताहाल इन इलाकों की खूबसूरती और काबिले दीद जगहों को वसी पैमाने पर दरियाफ्त नहीं किया जा सका। बैक रूट्स की तामीर के बाद ये इलाके आसान और आरामदेह रसाई के काबिल बन चुके हैं। बलोची रिवायात और कल्चर की अकासी करते ये इलाके आने वाले दिनों में पाकिस्तान की सियाहती सरगर्मियों का मरकज होंगे, जिन्हें एक्सप्लोर करने के लिए दुनिया भर के सियाह पाकिस्तान का रुख करेंगे।